अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदा मुरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये आप देख रहे हैं हजरात सोने की तैयारी कर रहे हैं और शाहिद भाई भी रेडी हैं व्लॉग के लिए। लेकिन आज एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। मुझे अभी हुसैन भाई ने फ़ोन किया कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ उन्होंने हमें दिखाना है शायद, तो वो नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा और हम एक साथ देखेंगे वो सरप्राइज़। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ होगा। राजी ये जो शाहिद भाई है ना, ये एलिवेटर से डरते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ आने के बाद पहली बार आप एलिवेटर में जा रहे हैं, तो ये एलिवेटर से डरते हैं। एक बार ये फंस गए थे जब हम शुरू में यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, उसके बाद से ये डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज है। सम्यक ठंड भी है। ओ वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये लाइट आप देख रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने गाड़ी चेंज की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जी, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या खैरियत से? ठीक ठाक है, करम दुआएं। ये शायद भाई हमारे दोस्त हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं? मबरूक जी, मबरूक। ये नई गाड़ी, कौन सी गाड़ी है? बस आप दुआएं करें। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह। ये रेंट पे लिए अपनी लिए? ये असल क्वेश्चन है, ये बताएं बताएं। हां जी, रेंट पे लेके आए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त, ये तो अभी हमने देखनी है यार। हाँ, इसीलिए लेके आया हूँ स्पेशल आपके लिए। मैंने कहा चलो उमर भाई भी देखें आज। जबरदस्त चलाएं इसको। ये वही यार इस गाड़ी है जिसके लिए हम ख्वार हो रहे थे। हमें देखनी थी, चलानी थी, टेस्ट ड्राइव करना था और इसको फिर लीज भी करना था, लेकिन आज ये रेंट पे लेकर आए। और इत्तेफाक से मेरी गाड़ी रिपेयर होने गई तो मैंने कहा लेनी है तो फिर यारिस ही ले ली। जबरदस्त, शाहिद भाई भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। ये हमारे रूममेट है, नए सही माशाल्लाह, हमारे गांव के भी हैं, तो ये भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो इनको भी अब ये गाड़ी हम दिखाएंगे, अगर इनको पसंद आई तो। क्या ख्याल है? आप रेंट देख रहे हैं? रेंट गाड़ी देखें या अपनी गाड़ी देखें? अपनी अपनी देखें। चलें फिर आप आए, कैमरा आप ले, कैमरा आप ले और मैं राजी। लॉक खोलें मोर भाई। क्या बात है यार, यार गाड़ी है यार, माशाल्लाह इंटीरियर माशाल्लाह कितना जबरदस्त कर दिया हमारे भाई। पहले इतना तो बिल्कुल भी नहीं आता था यार इसमें। ये तो वीआईपी बना दिया है यार। आप देखें, ये बिल्कुल बेस लेवल है हमारे भाई, स्टैंडर्ड जो होती है ना, इससे नीचे कोई नहीं है। मतलब इस लास्ट कैटेगरी। और इसके अंदर आप देखें कि क्या क्या उन्होंने दे दिया। स्क्रीन है, बैक कैमरा है इसमें, ठीक है। आप रिवर्स गियर लगाएं, 2023 रिवर्स गियर लगाएं। अच्छा, वो गियर का वही मसला है। ये बैक कैमरा है इसके अंदर। और इन्होंने यहाँ पे जो था डिजिटल कर दिया, ये सारा एसी सिस्टम है इसका, एयर कंडीशनिंग। क्या है मंथ लीज का, क्या सीन है? नहीं ये तो रेंट पे है ना, अभी लेना चाहते हो? नहीं वो तो ज़्यादा आ जाएगा, 4-5 तक आ जाएगा। इसको मैं अभी लेके आया हूँ, पर डे के हिसाब से मुझे मिली है 127 रियाल। अच्छा 127 तो कम है यार। नहीं उमर भाई, इसको आप कन्वर्ट करें मंथली तो 35-36 सौ रियाल बनेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर लेना चाहें बैंक से, बैंक से लें तो फिर तो मुनासिब मिलेगी, लेकिन उसके लिए आजकल रिस्ट्रिक्शंस वो क्या उमर भाई, 30% देना बहुत ज़्यादा मसला है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा उमर भाई, आप ये नोटिस करें इसको यार, कि गाड़ी है। इसको पिक दें जरा, इसको उठाएं जरा। ऐसे उठती थी पहले वाली यारिस? नहीं, कभी भी नहीं उठती थी। इन्होंने इंजन्स भी इनहेंस कर दिए हैं। हाँ बस, और सीट्स ये देखिए,
बैठ के ना सीट्स कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल। पहले यार तो गाड़ी वीआईपी हो गई है, लेवल अप कर दिया है पुरानी। यार एक तो ये शोर जो है ना ये खत्म। पुरानी यारिस में जब आप बैठते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे आप खोता गाड़ी में बैठे हो। एग्जैक्टली बंदा थक जाता है। और लॉन्ग ड्राइव तो बंदा कर ही नहीं सकता उसके ऊपर। इसमें तो माशाल्लाह माशाल्लाह यार जबरदस्त हद हो गई है यार, जबरदस्त बहुत अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। मैंने तो खुद इसको ड्राइव किया, एंजॉय, मुझे मजा आया। मैंने क्योंकि पहले वाली भी यारिस चलाई हुई है यार, बिल्कुल मजा नहीं था। करोला से भी अच्छी है। एग्जैक्टली करोला से अच्छी कर दिया, बहुत बेहतर कर दिया उन्होंने, माशाल्लाह। कंफर्ट लेवल में ले आए हैं अभी। यानी मेरा ख्याल है ये मैंने तो चलाई नहीं है ज्यादा, लेकिन कैमरी के हिसाब से कोई उस लेवल तक जा रही है। हाँ इंटीरियर वाइज आप कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो बड़ा इंजन, देखिएगा ये गाड़ी बड़ा इंजन है कैमरी में तो उसमें कंफर्ट लेवल अलग रहेगा। हाँ। लेकिन कह सकते हैं कि इन्होंने इसका सस्पेंशन इन्हेंस कर दिया है, इंजन में बहुत इन्हेंसमेंट है। इंटीरियर देखें, इंटीरियर तो बहुत जबरदस्त है। जो पुरानी कैमरी है ना जी जी उस लेवल तक आ गई है। पहले कैमरी भी उम्र भाई 5-6 साल पीछे चले जाए, कहाँ यहाँ इस तरह का इंटीरियर नहीं होता था उसका। हाँ क्या उमर भाई फिर आपके तासुर आते हैं गैरिस गाड़ी को चलाने के बाद और इसको महसूस करने के बाद? चलाने के बाद तो मेरे तासुरात ये है कि मैं किसी तरह से ले लूँ इसको। लेकिन क्या करें यार, क्या करें, डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन आजकल जो इन्होंने डाउन पेमेंट, यार डाउन पेमेंट जितनी इन्होंने रखी है उतने में बंदा सेकेंड हैंड अच्छी खासी गाड़ी ले लेता। डाउन पेमेंट इन्होंने ज़्यादा। एनी वेज हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, लेकिन टाइम टाइम लेगा। आपको याद होगा हमने अपने एक व्लॉग में इसको एक्सटीरियर इसका दिखाया था आपको, जब हम वहाँ गए थे अब्दुल लतीफ़ जमील के शोरूम में। आज इंटीरियर भी देखें और एक्सटीरियर भी देखें, तो दिखाएं उमर भाई सबको कैसी यार गाड़ी। वाकई यार
सरप्राइज वाकई आपका अच्छा था यार, ये यारिस चलानी थी। एक और सरप्राइज बाकी, मैंने तो दे दिया सरप्राइज आपको, मैंने आपका घर देखने आज। हाँ ये बात है, ये बात आज के व्लॉग में इन्होंने पहली बार हमारा घर, आप पहली दफा यारिस देख रहे हैं, चला रहे हैं उसको, और हाँ। मैं फर्स्ट टाइम आपका घर देख रहा हूं। सही शजा कोला उठ किस फ्लोर पे होंगे? सेकंड फ्लोर। हुसैन भाई हो गई या घर पे भी माशाल्लाह। हम फॉरवर्ड हो गए ना, थोड़े से मॉडर्न बन गए, खुली मजलिस भी खुली है, मजलिस है, सारी चीजें माशाल्लाह, टीवी भी है, टीवी है, लेकिन हमें चलाना नहीं आता। बताते नहीं है आप, क्योंकि पार्टी नहीं मांगू मैं आपसे। पार्टी पार्टी है यार, एनी टाइम पार्टी। चलें बैठे, आप बैठे जी। हुसैन भाई आपका सरप्राइज माशाल्लाह अच्छा था, मैंने यारिस देख ली है, ये बड़ी बात थी, और दुआ करें हमें मिल भी जाए इंशाल्लाह। चाय का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, अच्छी बनी थी माशाल्लाह चाय। असल में चाय का पहले हमारे पास रियाज भाई होते थे, वो चाय के मास्टर थे, अभी हमारे पास ये आए हैं तो ये चाय के मास्टर हैं, तो अभी हम चाय इनसे बनाते हैं। असल में मैं ख़राब चाय भी बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी ना दिल से बनाता हूँ, ये दिल से बनाया। चले किसी दिन खराब भी पिएंगे आप? नहीं, अगर दिल ना हो ना मेहमान के लिए, तो हमेशा जो भी मेहमान हो ना उसको लिए दिल से बनाते हैं। तो भाई यानी कभी कभी बनती है इस तरह की अच्छी चाय, इसका मतलब अरे आपको भी मिली है आपकी वजह से हमें भी चाय मिली है अच्छी। हाँ लेकिन मेहमान के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी थी चाय। तो ये बाकी छोड़े, सरप्राइज अच्छा था, चाय तो अच्छी है ही है, लेकिन सरप्राइज भी अच्छा था। अच्छा उमर भाई मुझे बोल रहे थे आ जाओ ना आप सीधा ऊपर ही आ जाओ, मैंने कहा उमर भाई नीचे आए हो ज्यादा मजा आएगा। जब आपने कहा ना कि आप नीचे आए, तो मैं समझा, समझ गया हूँ। नहीं मैं, मेरे जहन में क्या था, मेरे जहन में ये था कि गाड़ी को आपने कोई मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया होगा, कोई हाई लेवल मॉडिफाई किया, इतना मॉडिफाई किया कि दूर से पता चलता है। मैं ये समझा तो कैसी मॉडिफाई की, कलर भी चेंज हो गया, सब चेंज, गाड़ी चेंज हो गया। अच्छा फिर मैंने देखा यार बंदे ने तो गाड़ी भी चेंज कर ली है। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।